हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास इलेवेंथ मैथ एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,1 फ्रॉम द लाइन, और ये इक्वेशन लाइन की आपको गिवन है। चलिए फाइंड करते हैं। तो जो इक्वेशन थी वो मैंने लिख ली है 12 × x + 6 इज इक्वल टू 5 × y - 2। 12 × x 12x, 12 × 6 = 72 इज इक्वल टू 5y - 10। 5y को आप लेफ्ट साइड ले आइए तो माइनस का 5y हो जाएगा, 72 और 10 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 12x - 5y + 82 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन की एक प्रॉपर फॉर्म वाली इक्वेशन बन गई। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द पॉइंट -1,1 से। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, जो आपके पास लाइन की इक्वेशन बनी होती है उसे आपने लिखना होता है। बस फर्क क्या होता है, जो यहाँ पे x और y हैं वो आपके x1 और y1 में चेंज हो जाएंगे। ये x1 y1 क्या होते हैं, गिवन पॉइंट, जैसे यहाँ पे -1 x1 है और y1 1 है, और नीचे √a² + b², जहाँ पर a आपका x का कोफिशेंट है और b आपका y का कोफिशेंट है, स्क्वेयर करके ऐड करके रूट करना है, और मॉडुलस है क्योंकि अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बदल देंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू a की जगह पर 12 लिखेंगे, x की जगह पर x1 है और x1 की जगह पर -1 है, आगे b की वैल्यू है -5 और y1 की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 82 अपॉन रूट a की वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है -5 का स्क्वायर। 12 × -1 - 12, -5 × 1 - 5 प्लस 82 मॉडुलस अपॉन 12 का स्क्वायर 144 प्लस -5 का स्क्वायर 25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 82 में से 17 माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा, और नीचे √169 आएगा क्योंकि 65 ऑलरेडी प्लस का है, तो मॉडुलस भी करेंगे प्लस का प्लस ही रहेगा। 169 का √13 होता है, तो 65/13 यानी कि 5 यूनिट्स जो है वो डिस्टेंस आ गया, और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। थैंक यू।